हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी यूनिवर्स मध्य प्रदेश के नंबर वन चैनल फॉर डेली करंट अफेयर के इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों आज है 8 अगस्त 2019 और यह हमारी 209वीं क्लास है। 12 इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं जो आपके एग्जाम और आपके नॉलेज की दृष्टि से बहुत इंपोर्टेंट है। इन क्वेश्चंस को आप नोट कर लें क्योंकि ये आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। साथ ही क्वेश्चंस से रिलेटेड इंपोर्टेंट फैक्ट भी हम आपको बताते हैं, तो वो भी आपको याद रखने हैं। दोस्तों अगर आपको एमपी जीके और करंट अफेयर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम जाती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, हम आपके आंसर जरूर करेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। हाल ही में जारी WII की लिस्ट के अनुसार मध्य प्रदेश में बाघों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है 526। हाल ही में WII की लिस्ट के अनुसार मध्य प्रदेश में 526 बाघ हैं। दोस्तों अब ये WII है क्या, आपको इसके बारे में बता दें। तो दोस्तों WII का फुल फॉर्म एस्टिमेट वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है। दोस्तों इसके अनुसार मध्य प्रदेश में 526 बाघ हैं। दोस्तों अगर वही बात करें बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व की तो इसमें 110, कान्हा में 85 बाघ, पन्ना टाइगर रिजर्व में 55 बाघ और पेंच राष्ट्रीय उद्यान में 90 बाघ। इसके अलावा दोस्तों संजय गांधी में 18 बाघ, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में 46 और रातापानी में भी 40 बाघ होने की संभावना, यानी आंकड़े दिए गए हैं WII के अनुसार मध्य प्रदेश में। तो आपको इसके बारे में याद रखना है दोस्तों, ये एक इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश में कुल बाघों की संख्या है 526। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किस जिले में चौथी पर्यटन क्विज प्रतियोगिता आयोजित की गई है? तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है सागर में। दोस्तों हाल ही में सागर में यह पर्यटन क्विज प्रतियोगिता आयोजित की गई है। दोस्तों मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड भोपाल द्वारा चतुर्थ यानी फोर्थ पर्यटन क्विज प्रतियोगिता हाल ही में आयोजित की गई है। इसके तहत जिले में शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय और रविंद्र भवन में क्विज होगा। दोस्तों इसमें सहायक नोडल अधिकारी के अनुसार 149 टीमों में क्विज में भाग ले रही हैं। तो आपको याद रखना है ये प्रतियोगिता हाल ही में सागर में आयोजित की गई है। दोस्तों अब बात आई है सागर जिले की, तो आपको कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट सागर के बारे में बता दें। दोस्तों मध्य प्रदेश की प्रथम विश्वविद्यालय जिसे हम डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय के नाम से जानते हैं, यह सागर में ही स्थित है। दोस्तों मध्य प्रदेश की प्रथम फॉरेंसिक लैब भी सागर में ही बनाई गई है। उतन सिंह द्वारा 1660 में सागर शहर की स्थापना की गई थी। दोस्तों आपको बता दें पुरातात्विक स्थल एरन भी सागर में ही स्थित है, जहां पर सती का प्रथम लिखित साक्ष्य प्राप्त हुआ है। आफचंद की गुफाएं भी सागर में ही स्थित है। गढ़पहरा को प्राचीन सागर के नाम से जाना जाता है। पद्माकर समारोह है, स्टेनलेस स्टील कॉम्प्लेक्स यहीं पर स्थित है। नौरादेही वन्य जीव अभ्यारण्य भी सागर में ही स्थित है। तो दोस्तों इतना आपको सागर के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में ललित कला अकेडमी की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है 65वीं। हाल ही में ललित कला अकेडमी की 65वीं वर्षगांठ मनाई गई है। दोस्तों 5 अगस्त 2019 को ललित कला अकेडमी ने अपनी 65वीं स्थापना यानी वर्षगांठ मनाई है। ललित कला अकेडमी की स्थापना 5 अगस्त 1954 में की गई थी। दोस्तों अब ये ललित कला अकेडमी है क्या, आपको इसके बारे में बता दें। दोस्तों ललित कला अकेडमी केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के अधीन एक संस्था है। इसका मुख्यालय दिल्ली के रविंद्र भवन में स्थित है। यह केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के अधीन काम करती है। दोस्तों इसका उद्देश्य भारतीय कला का प्रचार देश में अथवा देश के बाहर विदेशों में करना है। चित्रकला मूर्तिकला ग्राफिक्स का आदि का प्रचार भी इसके द्वारा कराया जाता है। तो आपको याद रखना है ललित कला अकेडमी की स्थापना 5 अगस्त 1954 में की गई थी और हाल ही में इसने 65वीं वर्षगांठ मनाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में इसरो ने किस शहर में SSAM केंद्र की स्थापना की है? तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है बेंगलुरु। हाल ही में बेंगलुरु शहर में इसरो ने SSAM केंद्र की स्थापना की है। दोस्तों भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने हाल ही में कर्नाटक के बेंगलुरु में SSAM
इसका फुल फॉर्म आपको बता दें दोस्तों, स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस कंट्रोल सेंटर की आधारशिला रखी है। इसका उद्देश्य भारतीय उपग्रहों को अंतरिक्ष में फैले कचरे से बचाना है। दोस्तों अब ये SSEM है क्या, आपको इसके बारे में बता दें, यह उपग्रहों में भारतीय उपग्रहों की रक्षा के लिए कारगर सिद्ध होगा। दोस्तों इससे विपरीत मौसम के बारे में भी जानकारी मिलेगी। इस केंद्र के द्वारा उपग्रहों के बारे में डाटा एकत्रित किया जाएगा। इससे अंतरिक्ष में फैले हुए कचरे को हटाने और अंतरिक्ष के सतत उपयोग में भी सहायता मिलेगी इस केंद्र के द्वारा। तो आपको याद रखना है, यह केंद्र इसरो द्वारा स्थापित किया गया है बेंगलुरु में। दोस्तों अब बात आई है इसरो की, तो आपको इसरो के बारे में बता दें, इसरो का फुल फॉर्म इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन होता है, यानी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 में की गई थी। हेडक्वार्टर बेंगलुरु कर्नाटक में है और हेड हैं के सिवान। तो इतना इसरो के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, विश्व में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली महिला खिलाड़ी कौन है? तो इसका सही ऑप्शन है सेरेना विलियम्स। सेरेना विलियम्स विश्व में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली महिला खिलाड़ी हैं। दोस्तों इनकी कुल कमाई 29.2 मिलियन डॉलर है। दोस्तों सेकंड नंबर पर हैं नायोमी ओसाका और थर्ड पर हैं एंजेलिक कर्बर। वहीं बात करें दोस्तों पीवी सिंधु की, तो भारत की पीवी सिंधु इसमें 13वें स्थान पर मौजूद हैं और इनकी कुल कमाई 5.5 मिलियन डॉलर है। तो आपको याद रखना है पीवी सिंधु 13 स्थान पर हैं, जो इंडियन की एकमात्र महिला हैं, और विश्व में पहले स्थान पर हैं सेरेना विलियम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कब हथकरघा उद्योग दिवस मनाया गया है? तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है 7 अगस्त। हाल ही में 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा उद्योग दिवस मनाया गया है। दोस्तों इस वर्ष यह है इसका 5वां संस्करण था। इस अवसर पर केंद्रीय कपड़ा और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने नई दिल्ली में विज्ञान भवन में एक कार्यक्रम में भी शिरकत की है। दोस्तों अब ये राष्ट्रीय हथकरघा उद्योग की बात आई है, तो आपको इसके बारे में बता दें, इस दिवस का उद्देश्य भारत में हथकरघा कारीगरों को सम्मानित करना है और देश देश में हथकरघा उद्योग पर प्रकाश डालना है। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के द्वारा भारत के सामाजिक आर्थिक विकास पर हथकरघा उद्योग के योगदान और कारीगरों की आय में वृद्धि किए जाने पर फोकस किया जाना है। दोस्तों आपको एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट बता दें, राष्ट्रीय हथकरघा उद्योग 2019 का मुख्य कार्यक्रम उड़ीसा के भुवनेश्वर में आयोजित किया जाएगा। तो आपको इतना इस हथकरघा उद्योग दिवस के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राजनेता का निधन हुआ है? तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है सुषमा स्वराज। हाल ही में सुषमा स्वराज, जो हमारी पूर्व विदेश मंत्री भी थी, इनका हाल ही में निधन हुआ है। दोस्तों देश की पूर्व विदेश मंत्री और भाजपा की दिग्गज नेता श्रीमती सुषमा स्वराज का निधन हुआ है। इनके निधन पर हाल ही में राष्ट्रपति जी, प्रधानमंत्री जैसे बड़े नेता भी इनके अंतिम कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। सुषमा स्वराज देश की सबसे प्रतिभाशाली विदेश मंत्रियों में से एक रही हैं। आपको बता दें दोस्तों, सुषमा स्वराज का जन्म 14 फरवरी 1952 को पंजाब के अंबाला में हुआ था। तो आपको इतना सुषमा स्वराज के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस क्रिकेटर ने संन्यास की घोषणा की है? तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है डेल स्टेन। हाल ही में डेल स्टेन ने, जो एक साउथ अफ्रीकी क्रिकेटर हैं, इन्होंने संन्यास की घोषणा की है। दोस्तों साउथ अफ्रीका के गेंदबाज डेल स्टेन ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। दोस्तों अब ये एक दिवसीय और T20 मैच खेलते रहेंगे। स्टेन पिछले कुछ समय से चोट से जूझ रहे हैं, जिसके कारण इन्होंने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। दोस्तों आपको बता दें, डेल स्टेन का जन्म 1983 में हुआ था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, हाल ही में किसे CAB ने लाइफ स्टाइल अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया है? तो इसका सही ऑप्शन है अरुण लाल। हाल ही में अरुण लाल को CAB ने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया है। दोस्तों पूर्व भारतीय क्रिकेटर और बंगाल के कप्तान अरुण लाल को CAB, दोस्तों इसका पूरा नाम
क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल है, यानी सीएबी को क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल कहा जाता है और इसी ने अरुण लाल को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया है। दोस्तों अरुण लाल भारत के लिए 1982 से 1989 के बीच टेस्ट और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेल चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा गुलाब उद्यान कहाँ स्थित है? तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है इंदौर में। इंदौर में भारत का सबसे बड़ा गुलाब उद्यान स्थित है। दोस्तों इस उद्यान को मेघदूत गार्डन के नाम से जाना जाता है। ये दोस्तों एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश के जीके का, आपको याद रखना है। भारत का सबसे बड़ा गुलाब उद्यान को मेघदूत गार्डन के नाम से जाना जाता है और यह इंदौर में स्थित है। दोस्तों अब बात आई है इंदौर की, तो आपको कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट इंदौर के बारे में बता दें। राज्य की व्यावसायिक राजधानी मिनी मुंबई इंद्रपुर अहिल्या नगरी के नाम से और होलकर राज्य की राजधानी के नाम से इंदौर को जाना जाता है। चंबल, क्षिप्रा और खान प्रमुख नदियां हैं इंदौर में। दोस्तों एकमात्र शहर है जहां आईआईएम 2003 में और आईआईटी 2008 में एक साथ स्थापित की गई थी। दोस्तों राष्ट्रीय सोया अनुसंधान केंद्र मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग यहीं पर स्थित है। गेहूं अनुसंधान केंद्र और मध्य प्रदेश का प्रथम एकमात्र डेंटल कॉलेज भी इंदौर जिले में ही स्थित है। दोस्तों प्रदेश का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय भी इंदौर में ही स्थित है। रालामंडल वन्यजीव अभयारण्य भी यहीं पर स्थित है। दोस्तों भारत का पहला सोयाबीन वायदा बाजार, प्रथम जैविक खाद इकाई इंदौर जिले में ही स्थित है। तो दोस्तों इतना आपको इंदौर के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मध्य प्रदेश की वर्तमान विधानसभा किस हॉल में लगती है? तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है इंदिरा गांधी हॉल। इंदिरा गांधी हॉल में मध्य प्रदेश की वर्तमान विधानसभा लगाई जाती है। दोस्तों आपको बता दें इससे पहले मध्य प्रदेश की जो विधानसभा है वह मिंटो हॉल में लगाई जाती थी। ये दोस्तों एक इम्पोर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। मध्य प्रदेश की पूर्व विधानसभा मिंटो हॉल में लगती थी लेकिन अब प्रेजेंट में श्रीमती इंदिरा गांधी विधानसभा हॉल में मध्य प्रदेश की विधानसभा लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसे शादियाबाद के नाम से जाना जाता था? तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है मांडू। मांडू को पहले यानी प्राचीन समय में शादियाबाद के नाम से जाना जाता था। दोस्तों अब बात करते हैं प्रीवियस डे के क्वेश्चन की। तो कल का क्वेश्चन था मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी आवासीय इमारत कौन सी है? तो उसका सही ऑप्शन था दोस्तों पिनेकल ड्रीम्स। पिनेकल ड्रीम्स मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी आवासीय इमारत है। अब बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की। तो आज का क्वेश्चन है हाल ही में किस जोड़ी ने अंडर 14 युगल खिताब जीता है? इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में दें, हम आपके आंसर का इंतजार करें। तो दोस्तों आप हमारे चैनल स्टडी यूनिवर्स को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए। हम आपके साथ फिर मध्य प्रदेश और वर्ल्ड के इंटरेस्टिंग फैक्ट को लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, हैव अ नाइस डे।